सिर्फ एक ही परिवार के ये खिलाफ हैं। इस तरह से तंज कसती हुई नजर आई है महबूबा मुफ्ती और लगातार उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। और साथ ही बताते चले कि पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर ने ये सब झेला है, इस तरह से बात करती नजर आई है। कानून और संविधान का उल्लंघन करने वाले देशद्रोही हैं। बड़ा बयान, परिवारवाद से तकलीफ नहीं है, परिवार सिर्फ एक से तकलीफ है, ना कोई वकील है ना कोई दलील है, सीधा यहां पर जेल हो रही है, इस तरह से बड़ी बातें महबूबा मुफ्ती की तरफ से कही गई हैं। और साथ ही आप देखिए किस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, मीडिया भी आप देखिए किस तरह से इन्हीं के पास है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधती हुई महबूबा मुफ्ती नजर आई है। इस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपने देखा किस तरह से सिर्फ और सिर्फ वोट को देने की बात कर रहे थे कि अपना वोट जो है वो सही जगह पर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर शांति बहाली जो है वो हो सकती है, क्योंकि आपस में लड़ाया जा रहा है, इस तरह से प्रचार आज वो भी करते नजर आए। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के साथ साथ अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो तीखे तेवर उनके हर बार नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है। आम जनता भी यहाँ पर जानना चाह रही थी कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब महारैली में पहुंचते हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो आज रैली की गई थी उसमें आपने देखा कि सब लोग किस तरह से मौजूद रहे और साथ ही साथ अपनी अपनी जगह पर हर एक बयानबाजी जो है वो यहां पर की गई है। सबसे पहले आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, सत्ता सदैव नहीं रहती है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई है, अहंकार चूर चूर होता है। और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बात करें तो ये मंच अनेकता में एकता और विविधता में एकता का मंच है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से भी बड़ा बयान, चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश हो रही है, 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा जो धन है वो यहाँ पर है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि ईडी सीबीआई और साथ ही आईटी के द्वारा होने वाली कार्यवाही को बलपूर्वक रोकना चाहिए, इस तरह से मांग की गई है, अपील की गई है चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी की तरफ से। लेकिन अब देखना ही होगा कि इस पर कार्रवाई किस तरह से होती है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी जगह पर बयानबाजी करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजेपी पार्टी से आरएस पठानिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। पीडीपी पार्टी से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। मुजफ्फर खान नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो पठानिया जी आप ही के पास आएंगे, जिस तरह से इंडिया ब्लॉक की आज महारैली होती है रामलीला मैदान के अंदर और काफी तरीके से तीखी बयानबाजी और बड़े आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। पठानिया जी आवाज आ रही है? जी ऐसा है कि ये सारा का सारा घटनाक्रम अगर इसी आप विशिष्टता के साथ देखिए, वीरेंद्र जी जिस तरह से आज बड़ी बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है। देखिए ऐसे है कि आज रामलीला मैदान दिल्ली में जो इंडिया अलायंस के ग्रुप की आज एक मीटिंग थी, पब्लिक रैली थी, और उस रैली का नाम हमने लोकतंत्र बचाओ रखा था। उसमें हर एक पार्टी के लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो आए। महबूबा जी की जहाँ तक तकरीर का जो तलक है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी क्लियर सी बातें हैं जो आज जम्मू कश्मीर में हो रही हैं वो मैडम महबूबा जी ने आज बताई हैं। आज जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश में हो रही हैं। अब आप मुझे बताइए जो मैडम जी ने वहाँ कहा, पहले तो चलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जेलों में अरेस्ट किया जाता था, आम नौजवान को अरेस्ट किया जाता था, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता था उसको अरेस्ट किया जाता था, नोटिस भेजे जाते थे। लेकिन अब तो देखिए जो अपोजिशन के चुने हुए नुमाइंदे हैं जिनको लोगों ने वोट करके जिताया है उनको रातों रात जेलों में धकेला जा रहा है। पठानिया जी आवाज आ रही है? जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो उसकी पॉलिसियों को एक्सपोज करता है उसको अरेस्ट किया जाता है। हम तो पिछले 5 साल से ये 4 साल से ये कह रहे थे, तो लेकिन आज देश के विभिन्न हिस्सों में देखिए कि जो देखिए कि जो भी अपोजिशन का नेता है उन सबको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर इल्जाम लगते हैं तो उसके ऊपर जांच भी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, अगर मैं ब्रिजभूषण जी की मिसाल दे सकता हूँ, अजय कुमार टैनी की मिसाल दे सकता हूँ, और बहुत सारे हैं। अगर मैं कहूंगा तो पर्सनलाइज बातें हो जाएंगी। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि बिना कानून के यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है, लोकतंत्र बचाओ आज रैली थी। जी आशा जी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए आज यहाँ समय और स्पेस दिया। मैंने बड़ी तफसील के साथ और बार बार महबूबा मुफ्ती जी के वक्तव्य को देखा है,
चिंताजनक भी है, अफसोसजनक भी है और निराशाजनक भी है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी बेबसी भी झलकाता है। बचपना तो उनका है ही है, लेकिन उनकी कल्पना इतने दूर तक जा सकती है ये लोगों को अंदाजा हो नहीं हो, लेकिन कम से कम मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। भारत एक लोकतांत्रिक एक देश है और ये लोकतांत्रिक देश रूल ऑफ लॉ के साथ चलता है। ऐसा कहना कि बिना मुकदमे के, बिना केस के, बिना वजह के यहाँ पे लोगों को, भाई जो जेल में अंदर है वो तो मिलिटेंट हैं, जिनके ऊपर टाडा या पोटा या अलग अलग कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज हैं, आपको उनके साथ क्या सहानुभूति है? आपको जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ सहानुभूति नहीं है, जो इस बदले माहौल में, इस बदली फिजा में, इस बढ़ते हुए एक अच्छे एक सुरक्षा और सिक्योरिटी के, जिसे कहते हैं घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर के विकास की एक नई गाथा लिख रही है उसमें? देखिए ऐसे है कि जिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ये बात कर रहे हैं, मेरे भाई पठानिया साहब, मैं पठानिया साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले 5 सालों में कितने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देश के विभिन्न जिलों में डाला है, जिनके विषय पे लाया गया, मुझे विषय पे बात करने ना, मुझे पूछा गया, मैं जवाब दे रहा हूँ पठानिया साहब, सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक आपको आज जम्मू कश्मीर के नौजवान की याद आ गई, आपकी पार्टी की सरकार ने कितने नौजवानों को जेलों में डाला है, बिना मुकदमे के डाला है, किसकी कोई तरीक कोई नहीं है। और मैं आज भी ये बताता हूं, कोई कुपवाड़ा से लड़का उठा के उसको तिहाड़ में रखा है, कोई बारामूला से उठा के रखा है, उनके पेरेंट्स के पास, उनके माँ बाप के पास पीछे जाने के लिए पैसे नहीं है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई अपने जेवर गिरवी रख रहा है। आप मुझे बताइए आप किस तरह के रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? ठीक है, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पर हो, लेकिन ये ब्रिजभूषण के वक्त आपका रूल ऑफ लॉ कहां जाता है? अजय कुमार टैनी के खिलाफ लोगों ने एफिडेविट दिए, आपने दूसरी बार उनको मौका दे दिया, तीसरी बार लोकसभा की टिकट दे दी, और भी बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं। सत्यपाल मलिक साहब ने खुद कहा कि भाई एक आदमी मेरे पास 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके आया था, उसके ऊपर क्या है? जो अशोक परमार साहब आईएएस ऑफिसर साहब ने कहा, वहां रूल ऑफ लॉ कहां चला जाता है, वहां क्यों नहीं करूंगा उनके साथ कार्रवाई? मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी इंटरप्ट ना करेंगे जी, जी। मैं आप सबके ध्यान में ले आऊं कि जम्मू कश्मीर ने एक नई फिजा में सांस ली है। अब वो जम्मू कश्मीर नहीं जहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी की प्रिय बहन जी किडनैप हो जाएंगी और भारत सरकार एक ड्रेडेड आतंकवादी उसमें छोड़ेगी। वो जम्मू कश्मीर नहीं जिसमें महबूबा मुफ्ती कहती थी कि वो आर्मी कैंप के पास गया था तो क्या वो दूध लेने गया था, ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है। ये वो जम्मू कश्मीर नहीं है जहां महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जम्मू एंड कश्मीर में अफसपा हटाने की बात की जा रही है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी कांग्रेस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और एनसी की लेगेसी है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राजनीति करते 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 जम्मू कश्मीर के नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा तक को दांव पे लगा दिया था। तो मेरा कहने का मकसद है कि राजनीति करें, स्पीच करें, इलेक्शन का माहौल है, लेकिन कम से कम एक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन मत करें। ये देश है, इस देश के संविधान को, देश की संवैधानिक प्रणाली को, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन ना करें। देखिए ऐसे है, मैंने पठानिया साहब को बड़े आराम से सुना है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने अफसा की बात की, भाई ये चुनावी जुमला है या वाकया आप करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं? ये वही जुमला है जो 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आप लाना चाहते थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना चाहते थे, विदेश से काला धन वापस लाना चाहते थे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देना चाहते थे, ये इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसी की तरह जुमला है या वाकया सच है? अगर सच है ये तो हमारा रोड मैप था, ये तो हमारा एजेंडा ऑफ लाइंस में ये तो बात थी, ये तो पीडीपी का स्टैंड आप मान रहे, अच्छी बात है कीजिए। लेकिन मैं जहां तक आपने कहा कि देश में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए देश में बातें, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं ब्रिजभूषण साहब पर आप जरा जवाब दे दें कि उसके साथ आपने किस तरह, आपने जिन बच्चे बच्चियों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे आपने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया? आप देश को आज जवाब दे दीजिए अजय कुमार टैनी पर। मैं एक बात और रहेगी, आज देश आपसे पूछता है कि बताइए जो आपने वादे 2014 में लोगों के साथ किए थे, आपने कहा था जो हो सका, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों को पीएसए लगा के जेल में डाला है। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, ज्वाइन किया है, जल्दी से 1 मिनट आ रही वीरेंद्र जी। नम्रता जी जी बहुत बहुत स्वागत, चलिए अपना पक्ष रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, आज जो आपने मुद्दा रखा है बहुत ही, मुझे लगता है कि आज जो रैली हुई है इंडिया अलायंस की दिल्ली के अंदर, वो अपने आप एक गुहार है।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि आज अपने आप आंकलन करने का एक समय आ गया है कि अपने अंदर झांक के देखे कि देश को किस ओर लेके जाना चाहती है। आज लोकतंत्र की ये बात करते हैं तो लोकतंत्र कितने बड़े आज खतरे में है। मैं कल ही यहाँ आए हुए अनुराग ठाकुर जी को सुन रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब वो कह रहे थे कि 370 टूटने पे, एक तो हमारा कत्ल किया, ऊपर से कहते हैं दर्द हुई या नहीं हुई, और कह कौन रहा है जो खुद 370 को एंजॉय करता है, हिमाचल के मुख्यमंत्री का बेटा। डायनेस्टी की बात वहां हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो खुद 370 धारा को एंजॉय करता है वो यहाँ आके 370 का विरोध करता है। मैं तो कहती हूँ आज जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना चाहिए कि आपने 370 को तोड़ के हमारी यहाँ पे नौकरियों पे डाका डाला, हमारी जमीनों पे डाका डाला, खनन माफिया को यहाँ लाए, शराब माफिया यहाँ इंट्रोड्यूस किया, इस सब के लिए आपको माफ ना किया जाए। और जो 370 का नारा जम्मू से दिया उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ की 6 सीटें उनको हरा के दिया जाए। मुजफ्फर जी आवाज आ रही है, मुजफ्फर जी। हाँ, बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो दे दिए हैं। मुझे ये चीज समझ में बिल्कुल नहीं आती है कि जब बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने यहाँ तब्दीली लाई है, क्या तब्दीली लाई है आपने? आपने यहाँ की एम्प्लॉयमेंट छीनी है, ये तब्दीली है? आपने यहाँ की जमीनों के जो सिक्योरिटी थी वो छीनी, क्या यही तब्दीली है? और आप ऊपर से ये कहते हैं कि नहीं जी, जो हम जिन लोगों को हमने बंद किया है, और जेलों में कहां बंद किया, पूरे मुल्क के जेलों में, आपने उनको जम्मू कश्मीर की जेलों, ओवरक्राउड हो गई, आपने इतने लोगों को बंद किया है, ये उसी तरह बंद किया ना जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल को बंद किया है, उसी तरह यहां भी लोगों को आपने बंद किया है। उन पर मुकदमे अगर चलाने भी हैं, उनको जेलों में, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की जेलों में रखकर मुकदमे चलाइए, हम ये नहीं कहते कि जो इन्वॉल्व है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो इनोसेंट लोग हैं, उनको कहीं तो शक की बुनियाद पे और कहीं बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामों पे उठा के जुर्म में आपने, और वो जुर्म लगाए हैं जिन जुर्मों में बेल का कोई गुंजाइश नहीं, बेल की कोई हक है जी, जवाब पॉसिबिलिटी नहीं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी में आपने मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो ठीक है मुजफ्फर जी, उसके बाद मैं कुछ बाइटें चलाऊंगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की, फिर मैं आप दोनों पार्टियों के पास आऊंगी। मुजफ्फर जी, पहले पठानिया जी इस पर जवाब दीजिएगा जी। बाकी तो अपने मित्रों का मैंने वक्तव्य सुना, पर मुजफ्फर साहब एक कानूनदान है और लीगल प्रैक्टिशनर भी हैं, पर इनकी जुबान से ऐसा बयान जिसका राजनीतिक या ओवरऑल जिसे कहते हैं एक इसका एक मॉरल जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस, और तो जिसे कहते हैं कानूनी भी इसकी नियत कोई है नहीं जो ये कह रहे हैं। मैं फिर इसमें रिपीट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी सरकार ग्रास रूट्स लेवल जिसे कहते हैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बहाली और लोकतांत्रिक प्रणालियों और पद्धतियों पर पूरा विश्वास रखती है। कोई भी व्यक्ति विशेष, आप केजरीवाल जी को रेफर कर रहे थे अभी, अरविंद केजरीवाल जी के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा है, एक ईडीआई और एक सीबीआई के साथ, और वो उसके मेन अक्यूज्ड हैं, प्राइम अक्यूज्ड हैं। कोर्ट में पूरा अपना बार बार जोर लगाने के बावजूद भी उनके शिक्षा मंत्री, उनके शराब मंत्री जिसे कहते हैं, एक्साइज मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे थे वो जरा चला दीजिए प्लीज, और महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपनी बात को रख रही थी वो जरा चला दीजिए। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, आप देखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं, ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है, और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, उन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो,
कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्होंने साफ कहा इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसा हाल है न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल, और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है, मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के MLA बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात ये है कि केजरीवाल यहाँ से उठ के बीजेपी में चले। चलिए, तो जम्मू के पूर्व 2 मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। मुजफ्फर जी, सीधा मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी बदले बदले नजर आए हैं वहां पर मंच पर, इस तरह से बात करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गठजोड़ अंदर अंदर से बीजेपी के साथ चल रहा है? क्योंकि बहुत ही धीमे स्वर में वो बात करते नजर आए और कोई तरीके से निशाना साधते नजर नहीं आए हैं। मुजफ्फर जी, आप इस पूरी बातचीत को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से किस तरह से देख रहे हैं? आशा जी, मुझे नहीं लगता है कि इससे सख्त अल्फाज में इस सरकार की मजम्मत कोई कर सकता है जो आज फारूक साहब ने की है। मुझे नहीं समझ आई कि आपको कैसे लगा। मैंने फारूक साहब की ये तकरीर सुनी है अभी आप ही के चैनल के माध्यम से। मुजफ्फर जी, मुझे फारूक अब्दुल्ला अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्या वाकई में वो इस तरह से बात करते हैं? जिस तरह से आज नरमी उन्होंने बरती, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपने आईन को बचाना है, इससे बड़ी बात और क्या कहेंगे? आईन खतरे में है, यहाँ हिंदू और मुसलमान को, सिख और ईसाई को लड़ाया जा रहा है, और क्या कहेंगे? यही तो इस सरकार का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। और आप अगर इसको भी अगर आप ये लेते हैं कि नहीं फारूक साहब ने कोई बड़ा नर्म रवैया अख्तियार किया, नर्म लहजा, तो मुझे नहीं लगता इससे सख्त लहजा को इख्तियार किया जा सकता। ठीक है, देखिए ऐसे है कि इंडिया गठबंधन की रैली में सब लोग वहां पहुंचे, हर एक ने अपनी अपनी बात की, लेकिन यहाँ तक आप कह रहे हैं कि महबूबा जी की बयान, उन्होंने जो बात उन्होंने वहाँ की है भी, वो तो रियलिटी के साथ जुड़ती है। अब मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा, हम तो उसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि कानून के हिसाब से आप चलाइए देश, अगर कानून कोई गलत करता है, अगर सोनू गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये तो एक बड़ी बात है ना कि मैं कह रहा हूँ कि अशोक परमार साहब यहाँ IAS ऑफिसर हैं सीनियर, उन्होंने एक इल्जाम लगाया 1300 करोड़ रुपए के घपले का, 1 साल हो गया, एजेंसीज है कहां, जांच क्यों नहीं की जा रही? क्यों? क्योंकि उसमें एलजी साहब का इनके ऊपर बात आती है इसलिए। और बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के एक फार्मर MLC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाया था कि रेत बजरी की कीमतें बढ़ रही हैं और कौन लोग खा रहे हैं, अब बताइए जांच क्यों नहीं लेते जवाब इसका। नम्रता, देखिए आज लोकराज की तरफ से हटके देश जो है आज बिलियनेयर राज की तरफ पड़ रहा है, जो एक आज जो खाई है अमीर और गरीब में वो बढ़ती जा रही है।
और अभी मैं सुन रही थी पठानिया जी को, मेरे भाई हैं छोटे, वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा घोटाला किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है केजरीवाल साहब ने। आपको पता है अरविंद फार्मास्यूटिकल्स जिसका जिसने पैसा दिया, जिसके ऊपर आरोप है, जो चंद्रशेखर जिस पे आरोप है कि उसने 100 करोड़ रुपया, शेखर चंद्र रेड्डी, जी शरद चंद्र रेड्डी जी, तो उनके ऊपर आरोप लगाया आपने। लेकिन पहले जब वो आप, उन्होंने साफ कहा कि मेरी बात ही नहीं हुई पहले दिन जब उनको अंदर किया गया, कि मेरी केजरीवाल से कोई बात नहीं हुई। फिर उनको जब अंदर किया गया, उनको पहले उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि कहिए कि मैंने पैसे दिए हैं, उन्होंने तब भी मना किया और कहा कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। फिर जब उनको एक लंबे कार्यकाल के लिए, क्योंकि एक अमीर बाप का बेटा कितने दिन तक अंदर रहता, फिर उसने 6,000 करोड़ आपकी पार्टी को दिए, फंड चंदा दिया, उसके बाद उसने कहा हाँ मैंने इतना पैसा अरविंद केजरीवाल को दिया, तो आरोप तो आपके उन्होंने आपकी पार्टी पे भी लगाया, तो उस हिसाब से तो नड्डा साहब को भी अंदर होना चाहिए था। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपको दे तो साध, दूसरे को दे तो चोर, ये कैसी गिनती है जनाब? तीनों का जवाब दीजिए। और आप मुख्यमंत्रियों को अंदर कर देते हैं किस लॉजिक से? अभी जिस तरह से महबूबा जी ने कहा कि तीन मुख्यमंत्री आपने 370 टूटने के बाद अंदर कर दिए, आज आपने दो मुख्यमंत्री दूसरे देशों के, दूसरे प्रदेशों के अंदर कर दिए, जिसको मन चाहे उठा देंगे। आप जवाब दीजिए कि आज मैच फिक्सिंग हो जाए, नम्रता जी हो गया, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को, और आप चाहते हैं कि मैच फिक्सिंग हो जाए और आप बिना लड़े ही चुनाव जीत जाए। चलिए जवाब, चुनाव से डरे हुए हैं। मुजफ्फर साहब अभी बता रहे थे, मैंने बता दूं, मुजफ्फर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस खतरे में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खतरे में, बाकी और कोई भी खतरे में नहीं है। आपने हमारे, आपने उनको भी आप किसी न किसी झूठे के नहीं, उनका सियासी जिसे कहते हैं वो खतरे में, जब तक लोग उनके साथ हैं खतरे में, कोई कुछ नहीं कर सकता, देश में लोकतंत्र खतरे में है। अब आप, आपके साथ अब लोग रहे नहीं, मुजफ्फर जी अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जरूरत नहीं है, पठानिया जी ऐसा नहीं होता है आशा जी, जो अगर किया नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं के अरुण जेटली जी कहा करते थे, जिस तरह की डेमोक्रेसी हिटलर में तो बुलाया गया, ईडी की तरफ से समन दिया गया, पूछताछ हुई, वापस हो गए। ऐसे नहीं होता है आशा जी, देखिए जब जजेस अरे बेटर तरीके से पठानिया जी बताएंगे, फिर पठानिया जी बताइए जरा कैसे होता है जी, जब जजेस रिटायर होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके सवालिया निशान उठते हैं, और ये सवालिया निशान जम्मू कश्मीर बड़े अमन और अमान के साथ चल रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक शांति की ओर, पीस की ओर, और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सेल्फ स्टेबिलाइजेशन की ओर चल रहा है। जम्मू कश्मीर वापस अपने ट्रैक पे आ रहा है, इससे पहले जम्मू कश्मीर की जितनी भी कमाई थी, जितना भी रेवेन्यू था, उससे जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन की तनख्वाह भी नहीं दे सकता था। हालांकि जम्मू कश्मीर एक स्विट्जरलैंड के बराबर एक जिसे कहते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जम्मू कश्मीर में, फिर जम्मू कश्मीर का एसेट जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, लेकिन वो जो पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं पठानिया जी। अब आप तो घुमा रहे हैं, इस तरह से नहीं, समय का अभाव है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। पार्टी एनसी और सारे खतरे में, बाकी जहां तक आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अरविंदो फार्मास्यूटिकल्स वाली जो स्टोरी एक मीडिया हाउस से, एक अनकन्फर्म स्टोरी जो मीडिया हाउस ने सामने लाई है, इट इज एन अनकन्फर्म स्टोरी, आई एम होपफुल एक डिटेल एनालिसिस इसमें पार्टी के और जो आपके खिलाफ है कि डिटेल जवाब, डिटेल रिप्लाई लेके आएगी, हैव पेशेंस, और बैल्ड जिसे कहते हैं एलिगेशंस लगाना, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है, CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों इस केस को बिल्कुल माइन्यूटली केस टू केस बेसिस पे देख रहे हैं, और उनके नेट में, उनके जाले में कभी ना देश एक्सेप्ट करेगा ना ही। जैसे आपने अभी कहा ना कि ये इल्जाम झूठे हैं, मनगढ़ंत कहानी है, किसी ने बनाई है, भैया अजीत पवार पर तो इल्जाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाए थे रैली में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, वो तो सच थे ना, तो फिर वो साथ कैसे बन गए, कौन सी वाशिंग मशीन में डुबकी लगाई सुबह, वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, वो चोर थे, आज साथ बन गए, मेरी सुनिए ना, किसने बोला वो साथ बन गए? अब तो आपने फिर शामिल, फिर आप चोरों के साथ देते हो, फिर भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी है, जब उसको चोर कहा गया शामिल क्यों करवाया,
आपने कहा नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हो गए, रोशनदान बंद हो गए, मुझे बताइए ना आप। नहीं अभी कहा, अभी तो मैंने शुरू किया, आप जिसको चोर कहते हो साथ कैसे बनता है ये हमें बता दीजिए ना। अभी ये कहते हैं वो चोरी है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं तो आपके साथ क्या कर रहे हैं? वो तो सवाल नहीं सुनो, जवाब उन्होंने क्या दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिनको आप चोर कहते हो, जिनको आप चोर कहते हो, कैसे आपके साथ आ जाते हैं? का अभाव है, एक मिनट बचा है। मुजफ्फर जी, जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर ने दूध से धुले हैं, वो कोई करप्शन नहीं करते हैं, और जो करप्शन करके भी आता है इनके पास, तो ऐसा अमृत इनके पास है कि उससे बिल्कुल धुल जाते हैं वो, ऐसा दूध और शहद से उनकी धुलाई होती है। ठीक है मुजफ्फर जी, सारी मैल के चल जो है वो बह जाती है। आज जो भारतीय सब जो है वो बिल्कुल ध्यानदार ईमानदार हो जाते हैं, अंदर हुआ तमाम देश के अंदर आज वो मुजफ्फर साहब आरी आरी पठानिया जी एक मिनट, उसकी दूध से शक्ल जम्मू कश्मीर के अंदर ये कह रहे थे कि दूध की नदियां बह रही हैं, वही तो आशा जी कह रही है, के अंदर आरे आरे बेरोजगारी दर्दनाक है। थोड़ा सा चकली आपने के अंदर आपने जो हालात बना के रख दिए हैं, जो हमारी ओल्ड एज पेंशन थी किस तरह से बंद कर दी। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए, जो भी करप्टी है, जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो रही है करप्शन, कैसे साफ हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है, हो गया जल्दी से जवाब दीजिए पठानिया जी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के लवर्स का, क्रिकेट के प्रेमियों का और क्रिकेट स्पोर्ट्समैन का पैसा लूटने वाले, साबित कर नहीं पाए आप, जमानत देनी पड़ी कोर्ट को। उसमें लुटसर कोर्ट में चलान पेंडिंग है। चलिए पठानिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद, नम्रता जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली जो आज हुई है उसी को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसमें विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं, लेकिन उस बीच में अब देखना यह है कि समीकरण लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ बनते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।